शायद आपको, और जिसको इसमें इंटरेस्ट ना हो, और जिसको इसमें इंटरेस्ट ना हो, जब भी बोलता हूँ ये आवाज करता है। लाइट पंखों बनने बंद। विश्व के पिछले दो लोग जिसने देखे होंगे उनको पता ही होगा कि भाई आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, टायरों की खोज चल रही है। हाँ, वैसे अभी फाइनल कर दिया है तो आज वही हम करने वाले हैं, जाके फटाफट से गाड़ी के टायर्स इंस्टॉल करवा के आएंगे, और दूसरे भी छोटे मोटे एक दो काम है आज वो भी हो जाएंगे। तेरा इन्वर्टर रिपेयर हुआ कि नहीं? नहीं, वो कुछ अंदर जल गया है इन्वर्टर में। हाँ, तो मनीष भाई ने बोला कि कोई इंजीनियर आएगा और वो करके जाएगा, और वो चिमनी वाला है ना फंक्शन, वो अलग करके देगा। चिमनी में थोड़ी दिक्कत थी, आरओ में दिक्कत नहीं, इन्वर्टर में दिक्कत थी, उसका कुछ जल गया है इसलिए वो आवाज आ रही थी। पता नहीं भी किसका क्या जल गया है, लेकिन कुछ जल गया है। कल रात से बहुत परेशान कर रहा है इन्वर्टर, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी वापस आ जाती है, कभी जाके उसकी स्विच चालू करनी पड़ती है, बहुत परेशानी हो रही है। खाना क्या बनाया है? खाने में तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ मतलब? दाल, राइस, वो तेरी मनपसंद जो भाजी है, तंदरजा की भाजी, भाजी वो है, रोटी है और पनीर भुर्जी है। इतना सारा किसके लिए? हम सब के लिए। पोहा भी नाश्ते में बनाया था, वो भी आप दोनों ने नहीं खाया। तो मैं अभी नाश्ता करूंगा, पोहा खाऊंगा, बाकी सब आने के बाद खाऊंगा। चार कपड़े लेके बैठी हूँ कब की, कोई ना कोई आ जाता है, मेरे कपड़े की गड़ी नहीं बन रही। क्या हुआ विश्व? मम्मी बोल रही कि गड़ी है। मतलब फोल्ड नहीं हो रहा। भाई देखो, गुजराती लोग गुजराती में बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, और अगर गुजराती लोग हिंदी बोलेंगे तो थोड़ी बहुत गुजराती तो लीक होंगी ही होंगी। भाई लीक होना तो बनता है, हम गुजराती है। तो फिर वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हिंदी के बीच में थोड़ा गुजराती डाले हम। और भाई मेरे नेल्स इतने बढ़ गए ना, ये देखिए, अभी जब तक बढ़ते नहीं है तब तक मतलब समझ में ही नहीं आता कि कुछ बढ़े है, लेकिन जैसे ही फील होने लगता है ना कि नेल थोड़े बड़े हुए हैं, तो भाई दो तीन दिन में इतने सारे बढ़ जाते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि भाई अभी तो मैं राक्षस ही बन जाऊंगा। आज तू ऐसा राक्षस बन के घूमेगा और मैं ऐसा भालू बन के मैं घूमूंगा। अरे तो मैं भी देखना, मेरी भी दाढ़ी बड़ी हुई है, मेरे को भी निकालनी है। तेरे नाखून ज्यादा है, मेरी बियर्ड ज्यादा है, और मेरा तो सब बाल ज्यादा है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि भाई आगे से कुछ नहीं है लेकिन इधर इधर से ज्यादा हो गए। तो अभी मैं खाऊंगा ये पोहा और विश्व खाएगा भाई असली खाना, असली माल। हाँ, ये वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट भाजी है, तंदरजा की भाजी, लेकिन मेरे को अभी नहीं खाना है, जब हम टायर्स वायर्स डलवा के सारे काम खत्म करके घर पे आएंगे तब आराम से बैठकर मैं एंजॉय करूंगा मेरी फेवरेट चीज। अभी ये देखो, मम्मी इसको पनीर भुर्जी देना भूल गई थी, वैसे मम्मी भूल नहीं गई थी, उसने बोला था मेरे को भाजी और भाकरी खानी है, तो अभी पनीर भुर्जी खाने के लिए आया है। अभी दाल राइस भी खाऊंगा भाई। अभी ये तेरा खाना वाना खत्म हो जाए तो मेरे को जगा देना, मैं सो जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज यूज कर रहा हूँ वाउ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल, जो कि 99% प्योर एलोवेरा से बना है, जिसको हाइजेनिकली एक्सट्रैक्ट करके पैक किया गया है, जिससे इसके नेचुरल हीलिंग एंड रिजुविनेटिंग बेनिफिट्स को रिटेन किया गया है। ये एक मल्टीपर्पज ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है जो बना है स्किन, हेयर एंड स्काल्प केयर के लिए। बेस्ट बात यह है कि इस एलोवेरा जेल में कोई कलर या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। इस एलोवेरा जेल के इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा जूस, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मिनिमाइज करता है ड्राइनेस को और रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, ऑल्सो बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। सेकंड है जेंथन गम, जो कि नेचुरल प्लांट बेस्ड थिकनर है। इसमें है पॉलीसेकेराइड्स, जो हेल्प करता है स्किन में मॉइस्चर को बूस्ट करने में। लास्ट है सिट्रिक एसिड, जो हेल्प करता है पिगमेंटेशन को लाइटन करने में, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग टैन। इस प्योर एलोवेरा जेल को आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसको नेचुरल स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक टेबलस्पून जेल को एक टेबलस्पून शुगर के साथ मिक्स कर सकते हो, देन उसको आप एज अ फेस स्क्रब या बॉडी स्क्रब की तरह यूज कर सकते हो। ये एक नेचुरल स्क्रब का काम करेगी। आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हो। इस जेल को थोड़ा सा हाथ में ले लो एंड सिंपली अप्लाई ऑन योर फेस। ये आपके फेस को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखेगा। आप इसको हेयर एंड स्काल्प नरिशमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, लाइक इसको आप नॉर्मली अपने स्काल्प पर लगाकर थोड़ा मसाज करके ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो, एंड मॉर्निंग में माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हो। ये आपके हेयर एंड स्काल्प को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसको आप आफ्टर शेव जेल की तरह भी यूज कर सकते हो, लाइक शेव के बाद जस्ट अप्लाई ऑन क्लीन स्किन। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, तो आप इसको अपने फेस, नेक एंड हैंड पर अप्लाई करके छोड़ सकते हो ओवरनाइट के लिए टू सी गुड रिजल्ट्स। आप इसको और तरीके से भी यूज कर सकते हो, लाइक सनबर्न में, जिसमें हेल्प करेगा अफेक्टेड एरिया को इंस्टेंटली सूथ एंड काम करने में। बाकी वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई हार्श केमिकल नहीं होता, लाइक सल्फेट, सिलिकॉन एंड पैराबिन। आप भी ये 99% प्योर एलोवेरा जेल ले सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो वीवा ब्रदर्स 20 टू गेट 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट buywow.in। बी वाओ नेचुरली। ओ, हम जाए ना जाए, युवा घूमी घूमी करना चली गई। चलो मम्मी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
ईवा 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 ये देखो ईवा। अभी ईवा का स्किन का इन्फेक्शन बहुत अच्छा हो गया है, नहीं मतलब इन्फेक्शन अच्छा नहीं हुआ, रिकवरी बहुत अच्छी हो गई है। रिकवरी अच्छी हो गई है भाई, अच्छी हो गई है भाई। ईवा की अभी एज इतनी बढ़ गई है ना कि उसको ये सारी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। हम इतने फुल फॉर्म में जा रहे हैं नए टायर्स डलवाने के लिए, लेकिन वो टायर्स आएंगे ही नहीं अंदर गाड़ी में, तो आई मीन लगेगा ही नहीं। तो लगेंगे ना, साइज तो वही है फिर। साइज नहीं, थोड़ी बड़ी है ना, वो 265 वाला है और तेरी कार में 255 वाला लगा है। लग जाएगा अगर भाई नहीं लगा तो भाई सीन हो जाएगा आज हमारा। मैंने लग जाएगा, मैंने बहुत सारे एल्टोरस में देखा है लोग 285 भी लगाते हैं, तो ये तो आराम से लग जाएगा। लग तो जाएगा क्योंकि साइज उतनी भी ज्यादा नहीं है बड़ी। और अगर नहीं लगा तो ये व्लॉग हम नहीं डालेंगे। अभी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अभी इधर दो बार हम ऑलरेडी टायर की शॉप पे चक्कर मार के गए, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम गए थे टायर्स का सब देखने के लिए, और दूसरे टाइम गए थे बोलने के लिए कि हम कल आने वाले हैं। लेकिन हम गए नहीं थे दूसरे दिन, कुछ ना कुछ काम आ गया था। तो ये भाई ऐसा ही सोच रहे होंगे कि भाई ये टाइम पास करने वाले लोग हैं, कुछ टायर वायर डलवाएंगे नहीं। अभी हमको देखकर वो क्या सोचेंगे क्या पता, और कोई है भी नहीं तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा। भाई एक चीज देख, अभी नया टायर हम डलवाने के लिए आए हैं और इधर देख ये हमारा नुकसान हो गया, ये ग्रिप यहाँ से निकल गई, ये पुराना हो गया है। अभी किधर निकला ये टायर, ऐसे लगा के हमने थंबनेल तो क्लिक कर दिया। अभी मेन ये है कि ये टायर की जो विड्थ है ये बहुत है, तो अभी ये टायर इसमें फिट होगा कि नहीं वो पहले देखना है। वैसे तो हो जाएगा, बहुत कम ऐसा चांस है कि भाई नहीं फिट होगा, वैसे तो हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो भाई इसको इधर ही छोड़ कर जाना पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन भाई ये टायर देख तो सही, ग्रिप कितनी सही है। और भाई ये इधर की जो थिकनेस है ना साइड वॉल की, भाई वैसे भी ये जो BF गुडरिच नाम आता है ना भाई, ये नाम के ही पैसे वसूल है ना। अगर मैं ऐसा चाकू से भी ऐसा कट में लगाने की कोशिश करूंगा ना, तो भी ऐसा कट भाई प्रॉपर नहीं लगेगा। तू क्यों ऐसे लेकिन कट लगाने की कोशिश करेगा भाई। वैसे जो BF गुडरिच के ऑल टेरेन टायर्स आते हैं ना, मतलब मैं खुद नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं और आप YouTube पर भी देख सकते हो, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑल टेरेन टायर्स है। तो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देशों में ये लोग अपनी कार में टायर्स यूज करते हैं, जो ऑल टेरेन टायर जिसको चाहिए होते हैं वो मोस्टली यही टायर्स डालते हैं। ऑल टेरेन टायर्स का बाप है ना विश्व। हाँ भाई, मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया है। इससे पहले जो भी मैंने शूट किया था ना, सारा का सारा स्लो मोशन में शूट हुआ है भाई। ये सोनी के कैमरे में ना हमेशा ऐसा रहता है, इधर एक स्विच आती है जो आपको सेट करना पड़ता है, स्लो मोशन में शूट करना है या फिर रेगुलर वीडियो शूट करना है। तो गलती से वो स्लो मोशन में रह गया था, तो सारा वीडियो स्लो मोशन में आया है। अभी क्या क्या काम का गया है वो पता नहीं है मेरे को। स्मार्ट व्हील, स्मार्ट व्हील टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। अच्छा, जो मेड इन US है, प्रीमियम बैलेंसर आता है, तो अभी पूरा व्हील का बैलेंसिंग हो रहा है भाई। ये टायर वाला प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और जिसको इसमें इंटरेस्ट ना हो उसको ये शायद बोरिंग भी लगेगा, लेकिन अभी मेरा काम है, मैं जो भी करवा रहा हूँ आपको दिखाने का। एक मिनट, आज इससे इसमें ज्यादा मेहनत है। साइड वॉल हैवी है इसके लिए ना? है और जा रही है। भाई इधर से बाहर निकल दो, इधर मशीन ऐसे ऐसे हो रहे कि एक आध मशीन में फस गया तो निकलना भारी हो जाएगा मेरे को। ट्रैफिक का डेट लो। अहमदाबाद की बात कर रहा है ये। की बात है। उसकी शॉप अहमदाबाद में है, तो अभी उसको उधर का ट्रैफिक परेशान कर रहा है। तेरे को क्या परेशान कर रहा है? मुझे कुछ नहीं। तेरे को कुछ नहीं। इसको कस्टमर नहीं आते शॉप पर, वो परेशान कर रहा है। भाई देखो, सबकी लाइफ में ना अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और ये देखिए, बातों बातों में पीछे वाला टायर फिट हो रहा है। अभी पूरा ने चारों चार टायर्स गाड़ी के अंदर डाल दिए। वैसे तो अभी ये टायर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी है तो उसको फेंक थोड़ा दे, और अच्छी कंडीशन में है तो अभी इसको हम हमारे दूसरे वाले घर पर रख देंगे। कभी शायद से ऐसा फील हुआ कि भाई हाईवे टेरेन टायर चाहिए गाड़ी पे लगाने, तो भाई हमारे पास ऑलरेडी है तो उसका यूज़ कर पाएंगे हम। भाई क्या लुक आ रहा है गाड़ी का। वैसे ये लुक के लिए नहीं डाला है, लुक्स तो वैसे भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन लुक्स हमारा पर्पस नहीं था, हमारा पर्पस था ऑल टेरेन टायर इसका।
अरे आवाज कितना कर रही है विश्व है? ये नया टायर है ना इसलिए। नया टायर इसलिए आवाज ज्यादा कर रहे हैं और वो भी इधर स्मूथ सरफेस पर है इसके लिए। भाई जैसे नए शूज पहनकर हम ऐसे नहीं कुचड़ करते थे स्कूल में, चू आवाज निकाल रहे थे, लेकिन सही में अच्छी लग रही है विश्व। अब तो ये गाड़ी लेके मैं ही जाऊंगा स्नो में, हर जगह तेरी कार में यूज करूंगा। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, अभी इसका अलाइनमेंट होगा। वैसे ये सारी चीज़ें आपने करवाई होगी लाइफ में कभी ना कभी, अगर आपके पास कार है तो। लेकिन नए टायर्स डाल रहे हैं ना तो एक्साइटमेंट पूरा अलग ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने भी बहुत सारी बार करवाई है, लेकिन अभी आज नए टायर्स डाल रहे हैं ना तो मेरे को मौका चाहिए गाड़ी को बार बार दिखाने का। भाई अभी हमारे टायर्स वायर्स लग गए, अभी मेन बात पैसे की, और आप पैसे लिए बिना तो हमको छोड़ोगे नहीं। हमारा स्टोर BF के लिए ज़्यादा पॉपुलर है और हम चाहते हैं कि मिशेलिन का जो BFG है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादातर कस्टमर आए BF के लिए। सही है। और अगर आप अगर वडोदरा में रहते हो, वडोदरा के आसपास रहते हो, तो ये इनका कार्ड है, नंबर भी आपको दिख रहा होगा, एड्रेस भी दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, और कोई भी टायर से रिलेटेड कुछ भी काम है तो यहाँ जरूर आना। भाई अभी कैसा लग रहा है, कुछ तुझे डिफरेंस लग रहा है कि नहीं? वैसे तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अभी मतलब खड्डे वड्डे ज्यादा आएंगे ना, थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला टेरेन आएगा तब समझ में आएगा। अभी काम हो गया यार? नहीं नहीं काम बाकी है अभी भाई। कौन सा? अभी तुझे रोड ट्रिप पे निकलना है तो सारी अभी बैग सही है ना भाई, ट्रॉली बैग? अरे हाँ एक आध दो ले लेते हैं। एक आध दो नहीं, दो तीन ले ले। दो तीन क्या, फिर गाड़ी में जगह बचनी चाहिए ना, एक तो एक ऐसा स्पेयर भी लाएगा। हाँ भाई ये हमारा जो एक पूरा रूम है वो स्टोर रूम भाई बन गया है अभी, मतलब इतना सामान है देखो। इधर रहता कोई नहीं है लेकिन स्टोर रूम फुल है। हाँ इधर देख लो ये सब खाली है, लेकिन पूरा मतलब पूरा चार बेडरूम में से एक बेडरूम तो पूरा ऐसे ही भरा हुआ है। हमारा ये घर का उसूल है, कुछ रखने आते हैं तो कुछ लेकर भी जाना पड़ता है ना। हाँ अभी रोड ट्रिप पे जाना है तो भाई लगेज के लिए बैग्स तो चाहिए ना। और ये अलॉय व्हील पड़ा है, अभी इसके अंदर भी टायर डलवाना है, लेकिन वो स्टॉक में नहीं था, दो दिन के बाद आएगा तब ये डल जाएगा। कैसा लग रहा है? इतना मोटा मोटा लागे इनकी लागे तो करो। इसको टायर बोलते हैं। ये टायर का भाव पूछ रही है, भाव भाव भाव, उसको सब चीज का भाव जानना होता है। आओ आओ आओ। ओ मामी जय श्री कृष्णा। शिवम क्या गयो? शिवम नहीं आयो? हमेशा मैं विवा फुटबॉल में बोलता हूँ ना, हमारा कैचअप वाला भांजा, ये रहा मेरा कैचअप वाला भांजा। बस भाई अभी मामी आए हैं, हेमू दीदी भी आए हैं, हेमू दीदी को तो सब पहचानते ही हो, शिवम की मम्मी यानी कि मेरे कैचअप वाले भांजे की मम्मी। ये शिवम की मम्मी और ये इनकी मम्मी। हाँ और ये मेरी मम्मी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलना बाय 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 बाय।